सेंक्शन नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ, कैसे ये दिखाता है कि यहाँ पर पंचायत जागरूक है, आप सब लोग समर्पित हैं इस इलाके और क्षेत्र के विकास करने के लिए। लेकिन जो बात अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे बिल्कुल सच है कि हमारी जो 11 पंचायतें हैं, जब नए जिले बन रहे थे तो एक समय आया था कि 11 पंचायतों को जिले के बाहर एक और जिले में डालने की बात कर रहे थे। वो भी जिला हमारे ही ऐसा नहीं कि अलग, लेकिन मुझे लगा कि ये जिला टॉन्ग है, मैं यहाँ का विधायक हूँ और हमारी पंचायतों को हमसे अलग करना ठीक नहीं होगा। तो वो इस बात की मुझे खुशी है कि अंत में हम हमारी 11 पंचायत हमारे जिले में रह गई। ये तो हो सकता था कि ये कहीं टिक गई, मुझे खुशी इस बात की, लेकिन ये एक प्रक्रिया होती है और जब पुनर्सीमांकन होता है तो कई बार आगे पीछे होता है। लेकिन मुझे लगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र और यहाँ के लोगों ने हमेशा समर्थन हमको दिया, आप लोगों को परेशानी और दिक्कत ना हो भविष्य में, इसको लेकर हमने सुनिश्चित किया कि हमारी 11 पंचायत हमारे जिले के अंदर रहे। और आप लोगों ने हमेशा किसान भाइयों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सब लोगों ने, यहाँ खड़ा में सब लोग रहते हैं, सब समाज के लोग हैं और सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये 36 कौन पर जो आपस का प्यार मोहब्बत है, यही हमारी पंचायत हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे कहा गया कि यहाँ पर कुछ और विकास के काम कराने आए, मैंने आश्वासन दिया, मैं सारे काम को भी आए, मैं फटाफट बात कर रहा था, उन्होंने कहा तेरह स्थान है तो वहां पर हमारा भी पैसा लगा हुआ है, तेरह जगह स्थान पर निर्माण काम के लिए मैं मेरे विधायक को 5 लाख रुपए दूंगा अभी फटाफट, समय कम है लेकिन कोशिश करूंगा कि यहाँ पर पटा पटा काम हो जाए ताकि यहाँ गंदगी का सामना आप लोगों को ना करना पड़े। बाकी अम्बेडकर भवन हर पंचायत में हम लोग बना रहे हैं और कोशिश रही है कि हम सबको साथ लेकर पंचायत के हर गांव में, अधिकांश क्या होगा पंचायत मुख्यालय पर काम करते हैं, लेकिन जो गांव ढाणियां हैं जो पंचायत हेडक्वार्टर के बाहर है वहां पर भी हमारा धनराशि पहुंचे, सरकार का हमारा विधायक कोष पैसा बजट वो सब वहां पहुंचे, काम लगातार चलते रहे। आपके बीच में मैं आया हूं और आपसे निवेदन करने आया हूं कि अभी 1.5 महीने के बाद चुनाव होंगे विधानसभा के, और जैसा मेरे भाई बैरवा साहब बोल रहे थे कि पिछले चुनाव में अच्छी बढ़त लेकर इस पंचायत में सभी 4-5 गांवों ने मदद करी और बहुमत हमको मिला, लेकिन अब नया चुनाव है, नए उम्मीदवार आएंगे हमारी दूसरी पार्टी से, मुझे पता नहीं कौन से चुनाव लड़ेंगे, जो भी लड़े मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हमेशा की तरह हमारा सहयोग करें और कांग्रेस की पहचान है हार का निशान इस पर बटन दबाकर भारी बहुमत से 36 कौन के लोग आशीर्वाद दे विकास और गति बढ़ाने में हमको संबल मिले, आपका असीम प्रेम प्यार हमें हमेशा मुझे मिलता रहा और इस पूरे क्षेत्र में सब लोगों को साथ हम देकर चले ये शुरुआत से मैंने कहा और मुझे खुशी और संतोष है कि हम सब ने इस काम को हम कर पाए। कोई भेदभाव ना हो, कोई पक्षपात ना हो, कोई मेरे पास में काम लेकर आया मैंने कभी पूछा नहीं कि इस बूथ पे कितने वोट कौन सी पार्टी को मिले, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपका मानसिकता और आपकी विचारधारा क्या है, जो क्षेत्र का निवासी है वो मेरी जिम्मेदारी है। चुनाव में वोट पड़ते हैं कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन सब लोगों को मान सम्मान मिले, कोई बदले की भावना से काम ना किसी से किया जाए, सत्ता का दुरुपयोग ना हो, ये बहुत जरूरी होता है। इस इलाके में शांति और प्रेम बना रहा उसके लिए आप सबको सारे धन्यवाद देता हूँ, इतना आग्रह करता हूँ, जो भी काम हो रहे हैं निर्माण के उद्घाटन शिलान्यास उसके आप सबको मुबारकबाद, और भी आप लोग काम बताओगे तो चौकी गति से यहाँ पर सारे काम होंगे, आपका ये आशीर्वाद हमेशा।